हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम हिट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ज्यादातर बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलना ही नहीं आता है। वो क्या करते हैं, अपना नाम बोलते हैं, एज बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, फिर उसके बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। फादर का नाम, मदर का नाम, अपने भाई का नाम, सिस्टर का नाम, कितने मेम्बर्स हैं फैमिली में, ये सब बताना शुरू कर देते हैं। बट सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता। जब आपसे कोई पूछता है कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इट मींस वो सिर्फ आपके बारे में पूछ रहा है, आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन नहीं ले रहा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके पापा का क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है, वो ये सब नहीं पूछ रहा है। तो जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं या लिखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बड़ा ही जनरल सा सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। ये हर क्लास ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा है। इसमें 8 या 9 पॉइंट्स हैं आपके जो आपको रिमेम्बर करने हैं, याद करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप इनको बोलते जाना है बिना गलती किए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जो पॉइंट्स हैं हमारे, उनमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हम करते हैं सामने वाले को, जैसे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, मैडम, या फिर हेलो, हाय फ्रेंड्स, एवरीवन, इस तरीके से हम ग्रीटिंग्स करते हैं जो भी हमारे सामने इंसान होता है उसके अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। सो नंबर 1 पॉइंट, आई थिंक ये क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, बड़ा ही जनरल सा टॉपिक है, ग्रीटिंग्स आप बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज योर नेम। अब आप जब अपना नाम बताते हैं तो दो तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे आई एम दीपक गुप्ता, और जब भी आप बताएं तो अपना पूरा का पूरा नाम बताएं। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम दीपक गुप्ता, या फिर आप बोल सकते हैं माई नेम इज दीपक गुप्ता, इस तरीके से भी आप अपना नाम बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है माई सेल्फ। जब आप माई सेल्फ से अपना नाम बताते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसको बोलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं माई सेल्फ दीपक गुप्ता, ये बिल्कुल ही गलत होता है, 100% गलत है। माई सेल्फ क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। सो अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं, माई सेल्फ दीपक गुप्ता का मतलब है मैं अपने आप में दीपक गुप्ता हूं। तो इस तरीके से हम अपना नाम नहीं बताते। तो जब भी हम अपना नाम बताएंगे, आई एम दीपक गुप्ता, इस तरीके से आप अपना नाम बताएंगे, या फिर माई नेम इज दीपक गुप्ता, इस तरीके से आप अपना नाम बताएंगे, एंड स्टॉप सेइंग माई सेल्फ और फिर आप अपना नाम बताते, तो वो हमेशा बिल्कुल गलत होता है, इसको यूज नहीं करना है। तो दो टॉपिक हमारे हो गए हैं, नंबर 1 ग्रीटिंग्स, नंबर 2 हमारा नेम। आगे चलते हैं सॉरी उसके बाद हम बताते हैं अपनी एज। एज को किस तरीके से बता सकते हैं, आई एम 20, या फिर आप बोल देंगे आई एम 20 ईयर्स ऑफ एज। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आपने बोलना है। नंबर 1 पे आपने ग्रीटिंग्स बोला, नंबर 2 पे आपने अपना नाम बोला, और नंबर 3 पे आपने अपनी एज बता दी। हाँ, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां हमेशा एक ही उम्र की रहती हैं कई साल तक। जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, जहां पर आप रहते हैं। आप ये नहीं बताएंगे आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू मद्रास, इस तरीके से नहीं बताएंगे आप। आपको ये नहीं बताना है कि आप कहाँ से हैं, आपको ये बताना है कि आप अभी करंटली कहाँ पर रहते हैं। तो इसमें आप तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं, जैसे I live at Rohini, या फिर I abide at Rohini, या फिर I reside at Rohini। यहाँ पर आप देखेंगे कि reside, abide और live, इनका मतलब होता है रहना, आप कहाँ पर रहते हैं, और फिर आप अपना यहाँ पर प्लेस यूज करेंगे, जो भी आपका प्लेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है। और जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोलेंगे, तो आपको ये एक लाइन है, ये आपको यूज करनी चाहिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपका इंट्रोडक्शन, जैसे एज फॉर एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। अब यहाँ तक का मतलब क्या होता है, एज फॉर एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी शिक्षा का संबंध है, आई स्टडी इन 10th क्लास इन ABC स्कूल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं वो क्लास यहाँ पर आ जाएगी, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कहाँ पे जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो बेसिक नॉलेज सभी को होती है कंप्यूटर की, तो ये मैंने बिल्कुल जनरल सा सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है आप लोगों के सामने, हर कोई इसको यूज कर सकता है। आप इसमें डालेंगे अलॉन्ग विद
ये तो आपकी मेन एजुकेशन हो गई, ठीक है। आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके साथ ही अलोंग विद आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, शॉर्ट टर्म कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा अलोंग विद। और ये जनरल सा है, मैं यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। अलोंग विद आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और इसके साथ ही मुझे जो कंप्यूटर है उसका बेसिक ज्ञान है। तो इस तरीके से आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हमें बोलनी है अपनी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि मैं 25 किलो का डंबल एक हाथ से मारता हूँ और 25 किलो का डंबल दूसरे हाथ से मारता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बताने हैं पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। हर किसी की पर्सनैलिटी होती है और आपको अपनी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, या तो आपको एक बताना है या फिर आपको दो बताने हैं। अब इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, 3-4 स्ट्रेंथ नहीं बोलनी है अपनी, एक या फिर दो तक ही हम इसको सीमित रखेंगे। और इसको बोलना कैसे है, हम इसे ऐसे शुरू करेंगे, आई बिलीव दैट, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड अ क्रिएटिव पर्सन। मैं एक हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव पर्सन हूँ, हार्ड वर्किंग एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी आप लगा सकते हैं, पंचुअल एंड ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे 6th पॉइंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में हम अपनी हॉबीज को एक्सप्लेन करेंगे। आपकी एक हॉबी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, जितनी भी आप चाहते हैं आप अपनी हॉबीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। ओके, मैं अपने खाली समय में नॉवेल्स रीड करना पसंद करता हूँ, पढ़ना पसंद करता हूँ। दिस इज योर 7th पॉइंट डन। नाउ 6, यहाँ पर गलती हो गई भैया, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो हमारा जो 8th पॉइंट है, दैट इज अबाउट आवर एम। एम में क्या बोलना है आपको, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी करियर आपने चूज किया है अपने लिए, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, टीचर मत बनना भाई, बाकी चाहे कुछ भी बन लेना, ओके। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट, जो भी आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इस लाइन में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है आपका रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल कौन है, रोल मॉडल क्या होता है, रोल मॉडल एक ऐसा इंसान होता है जो आपको इंस्पायर करता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। ये इंसान आपकी फैमिली में हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई भी टीवी सेलिब्रिटी हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने फ्रेंड्स सॉरी फैमिली में से ही लेते हैं। तो माय फादर इज माय रोल मॉडल, ओके। तो इस तरीके से आप अपने रोल मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। अब यहाँ पर पूरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं देना है, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू टेल द फुल बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली। आपको सिर्फ अपने फादर और मदर का ऑक्यूपेशन बताना है, जिससे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए सामने वाले को। आप इसको ऐसे बोलेंगे, एंड अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर इज अ, जो भी वो जॉब करते हैं, प्रोफेशन है, जो भी कुछ उनका, वो यहाँ पर लिख देंगे। एंड माय मदर इज अ, यहाँ पर जो भी वो प्रोफेशन करती हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर लिखेंगे होम मेकर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे होम मेकर, आप होम मेकर बोलेंगे, ओके। उसके बाद आपने बोलना है थैंक यू, और ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। अच्छा, तो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ लिख के। जब आप इस इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा जो आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ऐसे बोलना है आपने, गुड मॉर्निंग सर, आई एम दीपक गुप्ता, आई एम 20 ईयर्स ऑफ एज, आई लिव एट रोहिणी। एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, I study in 10th class in ABC school, along with I have basic knowledge of computers. I believe that I'm a creative and optimistic person. I like to watch movies in my free time. I want to become a doctor in my life. My elder brother is my role model, and about my family background, my father is a lawyer and my mother is a homemaker. थैंक यू। तो इस तरीके से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, हमेशा सीरियल वाइज इसको बोलना है। तो बहुत ही बेसिक सा जनरल इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे तैयार किया है।
हर क्लास ग्रुप का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। और जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जॉब करने लगेंगे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज वेरी सिंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने बारे में बता सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।